गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मंजू वर्मा इस माई पे। सो गाइस आज की मेरी वीडियो है ककम बहुत सुंदर द पैक, ये आपके चेहरे को रिफ्रेश कर देगा और आपके चेहरे की टैनिंग को भी दूर कर देगा, रिमूव कर देगा। गाइस आपके चेहरे को मुहासे ही उसे भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन ड्राई और पैची है तो यह आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। सो गाइस देखते हैं इस पैक को लगाने के बाद क्या होता है। गाइस सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैंने लिया है हाफ खीरा, इसे कर लेना है कद्दू क्रश और ले लेंगे आधी चम्मच चीनी यानी कि सूर, उसे भी कर लेना है क्रश और दोनों को कर लेंगे मिक्स। गाइस तो मैंने वीडियो बनाई थी वो हो गई डिलीट, तो उसके लिए सॉरी। सो गाइस इन दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पे एकदम क्लीन, पहले को अपने चेहरे को फेस वॉश कर लीजिए, फिर इसे करिए अपने चेहरे पर अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसे हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि ये आपके फेस की इम्प्योरिटीज जितना भी डॉट है उसे निकाल सके और ये आपकी स्किन से टैनिंग भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन से आपके एंटी एजिंग साइन हो रहे हैं रिंकल्स वगैरह रिमूव करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी बनाएगा। सो गाइस इसे आप हल्के हाथों से आपको 5 से 10 मिनट मसाज करनी है, इससे ज़्यादा मसाज मत कीजिएगा क्योंकि आप अपने चेहरे पर जब भी स्क्रबिंग करते हैं एक्सफोलिएटिंग करते हैं तो उसे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके चेहरे को ये काफ़ी ड्राई और पैची बना सकता है। तो इसे हल्के हाथों से मसाज करना है, 5 से 10 मिनट इनफ है इसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा मत लेना गाइस। और इसे आप अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देंगे एज अ पैक, तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा है ग्लो आता है आपके फेस पे। गाइस मैंने कर लगा लिया अपने चेहरे पे पैक, आप देख सकते हैं मेरे पैक की देखो मेरा चेहरा काफ़ी स्मूथ हो गया है, ऐसा लग रहा है जस्ट मैंने अभी भी फेस वॉश किया है। और देखिए अपने चेहरे कितना अच्छे से क्लीन हो गया है और इतना ग्लो कर रहा है देखिए। सो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप रहना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ अपडेटेड और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो के साथ वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी गाइस सब्सक्राइब कीजिए।